नमस्कार दोस्तों, जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट जीत का गारंटी है, वैसे ही आज से करीब 76 साल पहले कांग्रेस पार्टी लगभग अपराजित था। देश में पहले लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था और उस समय जवाहरलाल नेहरू जननायक थे। उस समय देश में जवाहरलाल नेहरू की चारों तरफ लहर थी। उस चुनाव में जिसे भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल जाता था उसकी नया पार हो जाती थी। उस चुनाव में संविधान निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी खड़े हुए थे। पहले लोकसभा चुनाव में तब अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पहले आम चुनाव के लिए मतदान का काम फरवरी 1952 के आखिरी सप्ताह में ख़त्म हो गया था। जब मतगणना हुई तो कांग्रेस आसानी से जीत गई। उस समय कांग्रेस पार्टी को संसद में 489 में से 364 सीटों पर और पूरे देश में 3280 विधानसभा सीटों में से 4247 सीट पर जीत हासिल हुई थी। पूरे संसदीय चुनाव में कांग्रेस को कुल मतदाताओं का 45% वोट हासिल हुआ था और इसने लगभग 75% सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस माहौल में भी कांग्रेस के 28 मंत्री चुनाव में हार गए थे। इस चुनाव में सबसे हैरानी करने वाला परिणाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हार रही थी। उनकी पहचान देश भर में अनुसूचित जनजातियों के कद्दावर नेता के तौर पर थी, लेकिन बम्बई में उनके निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने तब अम्बेडकर के सामने उनके PA नारायण एस कजरोलकर को खड़ा कर दिया था। वह भी बैकवर्ड क्लास के थे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने भी एक एक प्रत्याशी खड़ा किया था। नारायण कजरोलकर दूध का कारोबार करने वाला एक नौसिखिया नेता थे, लेकिन उस समय नेहरू की लहर इतनी तगड़ी थी कि नारायण 45,000 वोटों से जीत ली और अंबेडकर चौथे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस की पकड़ और प्रतिष्ठा ने कजरोलकर के पक्ष में काम कर गई थी। इसके अलावा नेहरू ने जो बम्बई में भाषण दिए थे वो भी उनके पक्ष में रहे। अंबेडकर आज़ादी के आंदोलन में सबसे प्रमुख शख्सियों में से एक थे। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था। इकोनॉमिक्स में 2 डायरेक्ट की डिग्रियां थी उनके पास, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से थी। अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उस समय की हिंदू महासभा, जो कि आज के BJP है, उनका दावा था कि नेहरू ने अम्बेडकर को राजनीति की मुख्यधारा में आने नहीं दिया। उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए खुद नेहरू ने चुनाव प्रचार किया। 1954 में भी नेहरू ने ही दूसरी बार पक्का किया कि वह भंडारा से उपचुनाव में ना जीत पाए। उस चुनाव में सबसे बड़ी जीत रही कम्युनिस्ट नेता की, लेकिन उस चुनाव में एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि कम्युनिस्ट नेता रवि नारायण रेड्डी, जिन्होंने चुनाव में विस्की का पहला जाम पिया था, उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उनकी जीत का अंतर जवाहरलाल नेहरू की जीत के अंतर से काफ़ी ज़्यादा था। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।